हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्र बाई एकेडमी। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ आपकी 10th की परसेंटेज के लिए। और फ्रेंड्स, अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन घूम ही रहा होगा कि अभी हमने क्लास 11, 12 के लिए बाईफोकल कंप्यूटर साइंस ये स्ट्रीम सेलेक्ट कर तो लिया है, लेकिन अभी हम कौन सा स्टडी मटेरियल को रेफर करें या फिर हम कौन से बुक्स को रेफर करें। सो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही जगह पहुँचे हो। पहली बार तो ये जो पूरा वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 11th के लिए और क्लास 12th के लिए भी क्या सिलेबस होता है, कौन से बुक्स को हमें पढ़ना चाहिए। तो जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है क्लास 11th के लिए कंप्यूटर साइंस बायफोकल सब्जेक्ट का जो बुक होता है वो। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर पेपर 1 भी है कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर जो होता है, और पेपर 2 जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर का होता है। दोनों भी जो पेपर होते हैं एक ही इसमें होते हैं कंबाइंड, तो आपको ये एक ही बुक पढ़नी होगी जिसके अंदर आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों कवर हो जाएगा। तो ये है FYGC बायफोकल कंप्यूटर साइंस JEE बेस्ड टेक्स्ट बुक। FYGC यानी कि फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज का जो बायफोकल कंप्यूटर साइंस आप सेलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर आपको ये पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ता है। कई कॉलेज में अलग अलग टेक्स्ट बुक्स रेफर करते हैं, तो ये टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट होता है आपकी ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सारे इसके अंदर थ्योरी और सब कुछ जो है कंटेंट वो कवरअप हो जाता है। तो इसकी जो मेन ऑथर है वो है RD सुपेकर। तो आप देख सकते हैं दिस टेक्स्ट बुक इज फॉर थ्योरी एज वेल एज फॉर प्रैक्टिकल। तो आपको प्रैक्टिकल के लिए अलग से कोई बुक या फिर कुछ नोट्स ऐसे नहीं पढ़ने पड़ते हैं, आपको सिर्फ यही एक ही बुक में से आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों भी कवर हो जाता है। और इसके मेन ऑथर हैं RD सुपेकर। तो अभी आपको अगर कोई ये बुक अगर आपको ख़रीदना है तो आप जो आपका स्टोर होता है उसके अंदर जाकर आप सिर्फ बोल सकते हैं कि RD सुपेकर की क्लास 11th की कंप्यूटर साइंस बुक, तो आपको ये बुक मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये इसका इंटरनल फर्स्ट पेज है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये क्लास 11th का बायफोकल कंप्यूटर साइंस का बुक है। आप देख सकते हैं जिस तरह से आपको ये दिखेगा। सो फ्रेंड्स, अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है लास्ट जो कवर पेज होता है वो। इसके अंदर आपको जिस तरह से कुछ आपको दिखेगा, और ये जो है आपको मिलेगा 220 रुपीज़ में। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से होता है क्लास 11 का बायफोकल का कंप्यूटर साइंस का बुक। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से 11th का बुक दिखता है कंप्यूटर साइंस का। भी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंटेंट, यानी कि हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, हमारा सिलेबस किस तरह से होगा, कौन से चैप्टर्स हम पढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो है वो पेपर 1 जो कि सॉफ्टवेयर का होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसे हम कहते हैं, CS1 जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर साइंस 1 पेपर 1 जो कि सॉफ्टवेयर का होता है। इसके अंदर हमें टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। और एक बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो है बुक, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप, जिसके अंदर आपको सारे चैप्टर वाइज PDFs मिलेंगे, साथ ही हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। और ये जो सारे चैप्टर्स आप जो यहाँ पर देख रहे हैं उनका एक्सप्लेनेशन साथ ही साथ उसके सारे एग्जाम्पल्स और सब कुछ जो है वो आपको इसी चैनल में मिलेंगे। और वो भी इसके मैंने सारे जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर लूँगी। और आप कोई भी चैप्टर जो है यहाँ से, ये जो सारे चैप्टर्स हैं CS के, वो आप आसानी से इस चैनल के थ्रू पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट है नंबर सिस्टम जिसके अंदर हम ये सारे सब टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे। फिर सेकेंड चैप्टर जो है वो है प्रोग्राम एनालिसिस का। जो थर्ड चैप्टर है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू C++। तो ये जो C++ लैंग्वेज है वो हम 11th में कवर करते हैं, और इसी का एक्सटेंडेड वर्जन जो है वो हम क्लास 12th में सीखते हैं दोबारा से C++। फिर है विजुअल बेसिक्स, और लास्ट चैप्टर जो है वो है नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो है वो आपको एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया है पेज नंबर 128 पर, और ये जो है इसका आंसर भी हमने चैनल पे डेवलप, मतलब जो इसका वीडियो बनाया है तो आप वो इसका वीडियो भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर लेते हैं क्लास 11th के हार्डवेयर के जो पेपर होता है उसके सिलेबस के। इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जिसके अंदर हम ये सारे सब टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे। इसके बाद है लॉजिक गेट्स एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स। फिर है फंक्शनल हार्डवेयर पार्ट ऑफ PC। इसके बाद है पेरिफेरल डिवाइसेस। सो फ्रेंड्स, इसके बाद भी आपको एक सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और प्रैक्टिकल्स के लिए जो कुछ भी गाइडलाइंस है और सैम्पल पेपर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ये सिलेबस होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि आप बेसिकली भी क्लास 11th में कंप्यूटर साइंस जो आपने लिया है उसमें आप करने क्या वाले हो, आप और आपको कौन से बुक्स रेफर करने चाहिए और कौन से चैप्टर्स आप सीखने वाले हो। अभी हम बात कर लेते हैं क्लास 12th की। सो फ्रेंड्स, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस का बुक, और आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से होता है।
वैसे तो अलग अलग कॉलेजेस जो है वो कई ज़्यादा मतलब डिफरेंट जो है वो स्टडी मटेरियल रेफर करते हैं, लेकिन ये बुक सबसे बेस्ट होता है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जो कुछ भी यहाँ पर जो कुछ भी कंटेंट है वर्ड्स है वो सारे सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं ये है निकिता पब्लिकेशंस का और इसके ऑथर हैं डॉक्टर प्रकाश खनाले। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो जो CS1 होता है, कंप्यूटर साइंस 1 यानी कि पेपर 1 बेसिकली, जो कि सॉफ्टवेयर्स का होता है, उसके अंदर टोटल हमें 4 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आप देख सकते हैं ये सारे जो है वो उसके सब टॉपिक्स हैं। और यहाँ पर आपको मार्क्स यानी कि कितना वेटेज बोर्ड्स के हिसाब से जो है वेटेज होता है हर एक चैप्टर का, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो है वो ऑप्शंस के साथ इंक्लूडेड है और प्रैक्टिकल्स वगैरह सब ओवरऑल जो वेटेज होता है वो है। तो ये जो आप फर्स्ट चैप्टर है वो है 22 मार्क्स के लिए। इसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पर है सेकंड चैप्टर जो कि है डेटा स्ट्रक्चर्स, इसके सब टॉपिक्स आप रीड कर सकते हैं और ये होगा 17 मार्क्स के लिए। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है C++। और मैं आपको बता दूँ कि आप डायरेक्टली यहाँ पर 12th में अच्छा नहीं कर सकते हैं। अगर आपका 11th यानी कि जो बेसिक्स है वो क्लियर नहीं है तो आपको 11th का C++ अच्छे से करना होगा, तभी आपको 12th के बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स आपको मिल सकता है, क्योंकि सारा बेसिक्स 11th का ही होता है। और C++ हम जो 12th में ये पूरा पढ़ते हैं वो उसका सिर्फ एक्सटेंडेड वर्जन काइंड ऑफ होता है। सो ये जो है वो हाईएस्ट वेट टॉपिक है जो कि 41 मार्क्स का होता है। इसके बाद जो फोर्थ चैप्टर होता है CS1 में वो है HTML और इसका मार्क्स का वेटेज है 14। इसके बाद होता है पेपर 2। पेपर 2 यानी कि कंप्यूटर साइंस हार्डवेयर यानी कि CS2 जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर आपको फर्स्ट चैप्टर जो है इसका, जो कि ओवरऑल टेक्स्ट बुक का 5th चैप्टर है, वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085। और ये जो है वो 21 मार्क्स के लिए आपको मिलेगा। सिमिलरली सेकंड चैप्टर है इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085। ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे हमने CS1 में C++ देखा था, इसी तरह से CS2 में ये जो सेकंड चैप्टर है सो कॉल्ड, ये पूरे चैप्टर, ये पूरे ओवरऑल टेक्स्ट बुक का 6th चैप्टर, ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके अंदर हमें सारे प्रोग्राम्स, जैसे हम C++ में प्रोग्राम्स करते हैं, इसमें भी हमें अलग अलग प्रोग्राम्स करने होते हैं। तो ये जो सारे वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे इनका लेक्चर्स। और ये जो है वो 43 मार्क्स के लिए होता है। थर्ड जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू इंटेल X86 फैमिली, जो कि 4 मार्क्स के लिए है। फिर फोर्थ चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर, जो कि 8 मार्क्स के लिए है। और जो फिफ्थ एंड लास्ट चैप्टर है कंप्यूटर साइंस का, वो है नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, और ये जो है वो 18 मार्क्स के लिए आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ होता है और ये सारे सब टॉपिक्स तो आप देख ही सकते हैं। इसके इंडेक्स पेज की बात करें तो आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको सारे जो चैप्टर्स है वो दिखेंगे, पेज नंबर्स कुछ इस तरह से दिखेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये अगर आप बुक लेते हैं तो इसके अंदर आपको बहुत सारे जो डायरेक्टली 2011 से जो कुछ भी जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं बोर्ड्स के हिसाब से, वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे CS1 एज वेल एज CS2 के। और आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन पेपर्स के सैम्पल आंसर पेपर्स भी दिए हैं। तो ये जो है वो सारे बोर्ड के पेपर्स हैं, तो इनके थ्रू आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको मतलब जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड सॉल्व होते हैं, या फिर आपको एक तरह का पैटर्न पता चल जाता है ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को रेफर करके। और इसके सॉल्यूशंस भी उसके साथ दिए हैं कुछ पेपर्स के, तो आप वो रेफर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कीजिएगा, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। और सेकेंडली जो है वो उसका सारे जो नोट्स हैं, अगर आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और सारे इसके रिलेटेड जो लेक्चर्स होते हैं, जिसका चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन होता है, उसके बैक साइड क्वेश्चंस का आंसर्स वगैरह होता है, वो भी आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएगा। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।